सो चिल्ड्रन, आज मैं आपको और नए टू लेटर्ड वर्ड्स की प्रैक्टिस देने वाली हूं। शुरू करते हैं। द नेक्स्ट टू लेटर्ड वर्ड इज गो। यू विल मेक जी। जी बनाने के बाद आप हाथ को उठाए बिना ओ की आकृति उसमें जोड़ेंगे। दिस इज जी ओ गो। ये क्रिया है, वर्ब है ये। जी ओ गो, जी ओ गो, जी ओ गो। इस प्रकार आप इसकी एक पेज पूरी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एच ई, ही। आप पहले एच की आकृति बनाएंगे और उसके बाद उसमें ई को जोड़ देंगे। ध्यान रखना है, लाइन के नीचे आपके लेटर्स नहीं आना चाहिए। अगर लाइन के नीचे आएंगे तो आपकी कर्सिव राइटिंग जो है वो अट्रैक्टिव, आकर्षक नहीं लगेगी। नेक्स्ट वर्ड इज इफ। स्मॉल आई बनाएंगे और एफ की आकृति को लाइन के नीचे लेके आएंगे। दिस इज आई एफ इफ, आई एफ इफ, आई एफ इफ, आई एफ इफ। दिस इज हाउ यू विल प्रैक्टिस राइटिंग टू लेटर्ड वर्ड इफ। एफ की आकृति लाइन के नीचे आएगी और आई की आकृति से ऊपर, थोड़ा ऊपर निकलती हुई बनेगी। अगला लेटर जो आप बनाएंगे, अगला वर्ड वो है इन, आई एन इन। ध्यान से देखिए, आई एन इन, आई एन इन, आई एन इन। अगला जो वर्ड है वो है आई टी इट, आई टी इट, आई टी इट, आई टी इट। बच्चों, आपको वीडियो को पॉज करके देखना है, कर्सिव लेटर्स को सही तरीके से फ्रेम करना है, लाइन खींच खींच कर आपको चेक करना है कि दोनों आकृतियां सही हैं या नहीं। टी की आकृति ऊपर तक जाएगी लेकिन एक चौथाई भाग ऊपर की लाइन में छोड़ना है, टच नहीं करना है। एफ की आकृति लाइन के नीचे बनाना है। एच और ही में आपको एच और ई का, एच का जो ये कर्व है ये और ई की आकृति का हाइट जो है वो बराबर होना चाहिए। गो की आकृति में जी का गोला और ओ का गोला दोनों की हाइट एक बराबर होना चाहिए। जब तक आपकी ये आकृतियां आप लाइन खींचकर चेक नहीं करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी कर्सिव राइटिंग में कमी कहाँ है, कहाँ आपकी राइटिंग में कमजोरी है। तो आप इसको लाइन खींच के खुद चेक करेंगे और इसका अभ्यास एक पेज करेंगे।